कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम मेंशन करने के लिए मना किया है, लेकिन ये रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने स्क्रिप्टिंग की, उसके बाद में इनके पार्टनर ने इनकी शादी के लिए, मतलब दोनों लोगों की शादी के लिए खुद स्टैंड लिया। पेरेंट्स आराम से मान गए। पार्टनर जहां थोड़े से डरे हुए थे, उन्होंने अपने डर को निकाल दिया और फैमिली के सामने, पेरेंट्स के सामने अपने प्यार वाली बात को रख सके और शादी फिक्स हो गई। ये है छोटे में सक्सेस स्टोरी मैं बता रही हूँ, पर अब बड़े में पढ़ते हैं कि इन्होंने किस तरीके से स्क्रिप्टिंग की थी और इन्होंने कुछ बहुत अच्छे एक्शंस भी लिए थे। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, एक्शन के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन नथिंग। ठीक है, चलिए। इन्होंने लिखा है, मैंने स्क्रिप्टिंग की थी, मैंने 7 मंथ पहले स्क्रिप्टिंग की थी। अरे वाह, मैंने अभी 777 टेक्निक की एक सक्सेस स्टोरी शेयर किया, आज बड़ा 77 आ रहा है मेरे पास में। मैंने उसको जब किया था तब मैं बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव फील कर रही थी, लेकिन उसके एक हफ्ते पहले मेरा पार्टनर के साथ में कुछ झगड़ा हो गया था। मेरे पार्टनर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे और फैमिली के सामने ये बात नहीं रख पा रहे थे। तो मैंने आपके वीडियोस देखे थे और मैंने उनको जाकर के बोल दिया कि ये सारी चीजें आपको प्यार करने से पहले समझनी चाहिए थी। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो फैमिली के सामने स्टैंड लीजिए और स्टैंड लेने के बाद ही हम दोनों बात करेंगे। आप अपनी फैमिली के सामने बताइए कि आप मुझसे प्यार करते हैं, और अगर नहीं बता सकते तो आप वहां शादी कर सकते हैं जिससे भी आप करना चाहते हैं। मैं उस दिन बहुत ज्यादा गुस्से में थी और बहुत दुखी भी थी, लेकिन मैंने काफी बोल्ड आवाज में अपने बॉयफ्रेंड को ये वाली बातें सुना दी थी और उसके बाद में मैंने उनसे बात करना पूरी तरीके से बंद कर दिया, यही बोल करके जिस दिन स्टैंड ले लेंगे और आपके फैमिली वाले मान जाएंगे, आपके फैमिली वाले मुझसे बात करने के लिए तैयार होंगे, उसी दिन हम आगे रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं इस तरीके से ऐसे लड़के के साथ रिश्ते में बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ जो स्टैंड लेने तक की हिम्मत ना रखता हो, वो सिर्फ प्यार करने की हिम्मत रखता हो। सच बता रही हूँ, इतनी बड़ी और कठोर बातें मुझे बोलने की हिम्मत आपके वीडियोस देखने के बाद ही आई, और उसके बाद में एक हफ्ते बाद ही मैंने स्क्रिप्टिंग शुरू कर दी। जब मैंने स्क्रिप्टिंग शुरू की तो मैं सच में बहुत लाइट फील कर रही थी और मैं उसमें यही लिखती थी कि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, उन्होंने अपने घर में बताया है, फैमिली वाले बहुत आसानी से मान गए हैं, सारी चीजें अपने आप ही हो गई हैं, उनकी फैमिली खुद चाहती है कि हमारी शादी अब जल्दी से जल्दी हो जाए। एग्जैक्टली वही हुआ और उसके बाद में कुछ महीनों का ऐसा टाइम चला गया जहां पर मेरे दादाजी भी एक्सपायर हो गए और कुछ चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मेरा माइंड रिलेशनशिप पर बिल्कुल भी नहीं गया, और मेरे पार्टनर के बीच बीच में कॉल, दूसरे नंबर से कॉल और कभी कभार मैसेजेस भी आते रहते थे, लेकिन मैंने तो ये सोच ही रखा था मैं कभी बात नहीं करूंगी जब तक वो मैसेज नहीं आ जाता कि फैमिली वाले बात करना चाहते हैं। फाइनली वो मैसेज भी मेरे पास में आ गया कि उनके फैमिली मेंबर्स हमसे बात करना चाहते हैं और मेरे पार्टनर खुद शादी के लिए फैमिली वालों के सामने स्टैंड ले चुके हैं। मेरे इतना बोलने के बाद, मेरी स्क्रिप्टिंग करने के बाद में मेरे पार्टनर के अंदर मुझे खो देने का डर आया और ये ताकत आई कि मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। एग्जैक्टली यही सेम वर्ड मेरे पार्टनर ने मुझे बोले कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ क्योंकि तुम भी तो मेरे परिवार का ही हिस्सा हो, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, मैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं खो सकता हूँ, और थैंक यू तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया क्योंकि अगर तुम ये ना करती तो शायद मैं स्टैंड कभी नहीं ले पाता। फाइनली मेरे पार्टनर ने अपने पेरेंट्स को जाकर के सारी बात बोली और जिद पर अड़ गए कि मैं पूरी जिंदगी में अगर कुछ आपसे मांगना चाहता हूं तो यही कि आप कास्ट और ये सारी चीजें बिल्कुल भी ना देखें कि वो लड़की किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी कास्ट क्या है और क्या क्या इश्यूज हैं। आप बस इतना देखिए कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूं और पूरी जिंदगी मैं उसके साथ खुश रहूंगा। अगर आप मेरी खुशियों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे और मैं आपको भी बहुत खुश रखूंगा अगर मैं खुश रहूंगा। मेरे पार्टनर ने जब मुझे ये बात बताई तो मेरी आंखों में से आंसू गिर रहे थे और मैं फोन पर उनसे बात कर रही थी। मैं यूनिवर्स को बार बार बस थैंक यू बोल रही थी और मैं बोल रही थी कि आज मेरे पार्टनर के अंदर ये ताकत डाल देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। फाइनली मेरे पार्टनर ने मुझे ये कहा कि तुमने मुझे इतना मजबूत बना दिया, तुम्हें खो देने के डर ने मुझे इतना मजबूत बना दिया और फैमिली वाले मान चुके हैं, फैमिली वाले और मेरी फैमिली वाले दोनों ही आपस में बात कर चुके हैं, हमारी शादी पक्की हो चुकी है, हमारी एंगेजमेंट नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ पर
ऐसी कोई रस्म नहीं होती है। शादी के जस्ट पहले ही वो छोटी सी एक रस्म होती है, उसे प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं कहते हैं। और मेरे पार्टनर में भी ऐसी कोई एंगेजमेंट की रस्म नहीं होती है। तो बस सिंपल सी शादी होगी हमारी, और मैं भी कोई बहुत तड़क भड़क नहीं चाहती थी। जैसा मैं चाहती थी एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है, और मेरे पार्टनर का स्टैंड लेना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरा इस तरीके से दूर जाना मेरे पार्टनर को इतना मजबूत बना देगा, सच में दी मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच शांभवी दी, आपने मेरे रिश्ते को इतना खूबसूरत और मजबूत बना दिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू एवरीवन जो लोग भी मेरी कहानी सुन रहे हैं। इससे आप ये जरूर सीख लेना कि अगर आपके पार्टनर के अंदर आपको खो देने का डर है, तभी वो आपसे प्यार करता है। और ये चीज जानने का सबसे आसान तरीका है कि आप थोड़ा टाइम उससे दूर हो जाएं, बिना ये डरे कि कहीं वो चला जाएगा। अगर वो अच्छा इंसान होगा और आपसे सच में प्यार करता होगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो कहीं नहीं जाएगा। और अगर वो आपसे प्यार नहीं करता होगा और आप उसके साथ सिर्फ डर के मारे ये ही रहते रहोगे कि वो कहीं चला ना जाए, मैं इसे छोड़ कैसे दूं, तब वो आपके साथ रहते हुए भी चला जाएगा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपका पार्टनर सच में आपसे बहुत प्यार करता है, आपको खो देने का उसके अंदर भी क्या उतना ही डर है। मेरे पार्टनर में ये डर निकल करके सामने आया। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। मैंने अपने आप को इतने महीनों तक अपने पार्टनर से दूर रखा है, ये अपने आप में मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। और इससे ये भी पता चल गया मुझे कि मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरे पार्टनर भी बहुत स्ट्रांग है, और हमारी आगे आने वाली शादीशुदा जिंदगी बहुत स्ट्रांग जाने वाली है। थैंक यू। हाँ, क्लैप फॉर यू। बहुत पावरफुल हैं आप, बहुत स्ट्रांग हैं आप। ज्यादातर लोग यही कदम नहीं उठा पाते, बहुत सारे लोग इस चीज से डर जाते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम अपने पार्टनर से दूर चले गए तो वो हमसे दूर हो जाएगा। देखिए, अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है ना, वो आपके दूर जाने से आपको खो देने का डर आ सकता है उसके अंदर। अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो आपको ट्राई करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करता और आपके साथ में रह रहा है, कमिटमेंट भी नहीं दे रहा, और आप भी इसी डर से रह रहे हो कहीं ये दूर चला गया तो वो कहीं, तो दोनों को कहीं ना किसी वजह से एक दूसरे के साथ चिपके हुए ना। बेवजह अगर आप हैं और आप ये समझ रहे हैं कि ठीक है चलो देते हैं थोड़ा सा टाइम, अब तुम देखो आराम से कि क्या करना है, और अगर लगे तो भैया आ जाना घर पर, बात करो फैमिली से, बात करो। बिना स्टैंड लिए हम भी नहीं फिर आगे बढ़ रहे, क्योंकि जो इंसान अभी स्टैंड नहीं ले पा रहा वो आगे क्या स्टैंड लेगा। इसके लिए पहले आपको स्टैंड लेना है, जैसे कि इन्होंने अपनी कहानी में खुद के लिए पहले स्टैंड लिया कि ठीक है अगर आप स्टैंड ले सकते हो, आप सिर्फ इतना ही कर सकते थे कि आप मुझसे प्यार करते हो, आज जब स्टैंड लेने की बारी आई तो आप पीछे हट रहे हो। ठीक है, इस वक्त मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूँ, जाने देती हूँ आपको, जाओ। अगर आपका पार्टनर आपसे सच में बहुत प्यार करता है तो फिर वो आपके लिए स्टैंड खुद से ही लेगा, और इसी चीज को आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, जैसा कि इन्होंने स्क्रिप्टिंग में किया। इन्होंने ये गलती नहीं की कि उसके पीछे पीछे पड़ गए, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, ये भी अपने आप आराम से दूर हो गए। इससे पार्टनर को समझ में आया कि हाँ उसके बिना मेरा जीवन नहीं है। ये होता है खो देने का डर। तो जब खो देने का डर आता है उस इंसान के अंदर, तो वो खुद ब खुद ही आपके पास में आना शुरू हो जाता है। इसमें आपका मैनिफेस्टेशन भी काम आता है, इसमें आपकी टेक्निक्स भी काम आ जाती हैं, आपकी एनर्जी काम आती है, आप जो इतना डेस्परेशन वगैरह शो नहीं कर रहे होते वो सारी चीजें खुद ब खुद ही काम आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके स्टैंड को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सारी चीजों को, लेकिन बिना डेस्परेट हुए। थोड़ा सा डिटैच होना सीखिए। इतना ज्यादा अगर हम किसी चीज के साथ अटैच है ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है हमारा मैनिफेस्ट करना। तो डिटैच होना सीखिए और उसके बाद देखिए मैनिफेस्ट कितनी आसानी से होता है आपके लिए। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, देखिए अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।